अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं आपके साथ में कुछ ऐसी अमेजिंग फाइनेंस स्किल शेयर करने वाला हूं जो अगर आप सीख लेते हैं तो आप अपने करियर के लेवल को यहां से यहां लेके जा सकते हैं। और अगर आप एक बिगनर हैं तो आपके लिए डेफिनेटली बहुत ही बड़ा एडवांटेज आपको मिल जाएगा भेड़ चाल से बहुत ही ऊपर निकलने के लिए। और सिर्फ फाइनेंस स्किल्स ही क्यों, मैं आपके साथ में कुछ ऐसे अमेजिंग कोर्सेज शेयर करने वाला हूं जो फ्री होंगे, जो आप यूज कर सकते हैं टू लर्न ऑल दी स्किल्स। और साथ ही में आपको सर्टिफिकेट भी मिल सकता है। ये जितनी भी फाइनेंस स्किल्स मैं आपको बता रहा हूं, इनके साथ में कहीं ना कहीं एआई, मशीन लर्निंग और टेक का एक बहुत ही अच्छा इन्फ्यूजन है जो आपको बहुत ही अच्छे से हेल्प करेगा इन बीइंग हाई एंड बी वेरी क्लोज टू ऑल द डेवलपमेंट्स व्हिच आर हैपनिंग इन द फिनटेक एंड द टेक स्पेस। हमारी पहले स्किल है एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। अब आप इमेजिन करो, अगर आपकी ट्रेडिंग की स्पेशलाइजेशन में अगर मशीन लर्निंग का एक अमैलगमेशन हो जाता है तो चीजें बहुत ही ज्यादा हाईटेक हो जाती है। और मशीन लर्निंग टेक्निक्स को यूज करते हुए क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग करना बहुत ही ज्यादा चीजों को ईजी करता है, यानी कि जो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज होती है वो मशीन लर्निंग ड्रिवन होती है। और इस पर्टिकुलर स्किल को सीखने के लिए आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू दिस कोर्स बाय गूगल क्लाउड, जो है मशीन लर्निंग फॉर ट्रेडिंग स्पेशलाइजेशन, जो आपको हेल्प करता है इन अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड टेक्निक्स यूज्ड इन मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग स्ट्रेटजी। और जो स्किल्स आप इससे गेन करेंगे वो है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, मॉडल डेवलपमेंट एंड ऑल दीज अदर स्किल्स। ये एक 3 कोर्स की सीरीज है जिसका जो ओवरऑल कोर्स ड्यूरेशन है वो है 10 घंटे पर वीक के हिसाब से पूरा 1 महीना। इसके मॉड्यूल्स हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रेडिंग, मशीन लर्निंग एंड जीसीपी, यूजिंग मशीन लर्निंग इन ट्रेडिंग एंड फाइनेंस, रीइंफोर्समेंट लर्निंग फॉर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। अब अगर मान लो कि आपका इस पर्टिकुलर चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप एक बिगिनर नहीं है, अगर आप यहां से स्टार्ट करना चाहते हैं, यू कैन एक्चुअली डायरेक्टली गो एंड स्टार्ट एनरोलिंग फॉर दैट। हमारी दूसरी स्किल है एआई इन फाइनेंस, स्पेशली फ्रॉड प्रिवेंशन के लिए। अब आप ये सोचो, अगर फाइनेंस और एआई साथ में मिलकर एनालिसिस के ऊपर, प्रेडिक्शंस के ऊपर अगर स्ट्रांगली काम करने लगे तो फ्रॉड डिटेक्शन में और प्रिवेंशन में बहुत ही ज्यादा चीजें ईजी हो जाती है। उसी के साथ साथ फाइनेंस के और भी बहुत सारे एरियाज है जहां पे अगर एआई की हेल्प होती है तो चीजें बहुत स्मूथ होती है। और इसी पर्टिकुलर चीज के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये कोर्स विच इज कॉल्ड एआई फॉर बिजनेस स्पेशलाइजेशन। ये एक ऐसा ब्रॉड कोर्स है जो आपको बिजनेस रिलेटेड काफी सारी चीजें सीखने में हेल्प करता है, जहां पे एआई और मशीन लर्निंग उसका पार्ट होता है। यहां पे जो स्किल आप सीखेंगे वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, मैनेजमेंट, फ्रॉड प्रिवेंशन। ये जो पूरी स्पेशलाइजेशन है ये 4 कोर्स की सीरीज है जहां पे आपको लगभग 10 घंटे पर वीक देने के बाद में 1 घंटा लग जाएगा। अगर आप यहां पे कोई स्पेसिफिक चीज सीखना चाहते हैं, जैसे हम अभी फाइनेंस की बात कर रहे हैं, तो यू शुड डेफिनेटली चेक आउट दीज मॉड्यूल्स, जहां पे पहला है एआई फंडामेंटल्स फॉर नॉन डेटा साइंटिस्ट, एआई एप्लीकेशन इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस, एआई एप्लीकेशन इन पीपल मैनेजमेंट, एआई स्ट्रेटजी इन गवर्नेंस। हमारा स्ट्रॉन्ग फोकस शुड बी ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्स जो 6 घंटे के आसपास का है, जिसकी डिटेल हम यहां पे चेक कर सकते हैं, विच विल इंक्लूड एआई एंड द कस्टमर जर्नी, पर्सनलाइजेशन, फाइनेंस, एडिशनल एआई एप्लीकेशंस इन फाइनेंस। नेक्स्ट स्किल है डेटा विजुअलाइजेशन। अगर आपने एक डेटा को अच्छे से विजुअलाइज करके उसको प्रेजेंट किया हुआ है यूजिंग अ लॉट ऑफ विजुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म, तो आपके लिए जो आपके डैशबोर्ड पे चीजें होती है वो बहुत ही ज्यादा प्रेजेंटेबल हो जाती है। और वही चीज आप इस पर्टिकुलर स्किल में सीखेंगे। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा दिस कोर्स विच इज गूगल डेटा एनालिटिक्स प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, जो लगभग 6 महीने के आसपास का कोर्स है, 10 घंटे पर वीक अगर आप देते हैं तो। इसमें आप ये सभी चीजें सीखेंगे एंड यू विल गेन अ लॉट ऑफ स्किल्स व्हिच आर रिलेटेड टू डेटा एनालिसिस, क्रिएटिंग केस स्टडीज, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा क्लींजिंग एंड अ लॉट ऑफ अदर स्किल्स जो यहाँ पे मेंशन्ड है। इसके मॉड्यूल पे ध्यान दें तो यहाँ पे 8 कोर्स की सीरीज है जहां पे यू कैन क्लियरली सी फाउंडेशन डेटा, डेटा एवरीवेयर, एंड देन यू हैव डेटा एक्सप्लोरेशन, यू हैव द आर्ट ऑफ विजुअलाइजेशन। काफी सारी चीजें हैं, अगर आप एक पर्टिकुलर चीज को सीखना चाहते हैं तो वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्किल है एआई एडवाइजिंग या फिर रोबो एडवाइजिंग। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से एक पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं रिस्क के बेसिस पे, तो आपके लिए चीजें इन कंपैरिजन टू अ ह्यूमन थोड़ी और बेहतर हो जाती है, क्योंकि जितना डीपली एक एआई एनालाइज कर पाएगा चीजों को, उतना शायद ह्यूमन उतने अच्छे से ना कर पाए। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोलता कि ह्यूमन इतना कैपेबल नहीं है, बट विद द हेल्प ऑफ एआई एक एक्स्ट्रा मैजिक डेफिनेटली क्रिएट हो सकता है। और वही चीज आप इस पर्टिकुलर स्किल में सीखेंगे। इस पर्टिकुलर स्किल के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा दिस कोर्स व्हिच इज कॉल्ड इनोवेशंस इन इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आपको हेल्प करता है इन रिकॉग्नाइजिंग द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ ह्यूमन फाइनेंशियल एडवाइजर एंड इन्वेस्टर्स, identify the relationship between identifiable firm characteristics and average returns, robo advisor और AI advisor का business model समझने के लिए, and to build a diversified portfolio based on attitudes toward risk। जो skills आप सीखेंगे वो है ये सभी। और इस course के module में you will have the introduction, robo advising, stock selection and asset management and big data। Again अगर आप कोई particular module छोड़ना चाहते हैं you have the option of doing। और यार ये तो मैं आपको बताना भूल ही गया कि आपको इसको enroll कैसे करना है for free। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है enroll for free, just click here। और सिर्फ अकाउंट नहीं है तो जल्दी से एक ही सेकंड में बना लो। लॉग इन करने के बाद में यू विल हैव दिस विंडो जहां पे ये आपको ड्यूरेशन सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है और कुछ पैसा पे करने के लिए बोल रहा है, पर मैंने मेंशन किया था फ्री में सीख सकते हैं। you can see this option audit the course, click on audit. और जैसे आप क्लिक करते हैं आपका ये कोर्स एनरोल हो चुका है. नाउ यू कैन गो थ्रू ईच एंड एवरी कंटेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स. अब यहाँ पे मैं बहुत ही क्लियरली ये चीज बताना चाहूंगा, अगर आप ऑडिट द कोर्स वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा. दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर लर्निंग. अगर आप सर्टिफिकेट चाहते हैं तो आपको पैसा पे करना पड़ेगा एंड दैट इज अ रियलिटी. हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई जब सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा तो मतलब क्या है ये चीज सीखने के लिए, तो आप इस चीज को रेज्यूमे में फिर भी इंक्लूड कर सकते हैं. जब आप इंक्लूड करते हैं इस चीज के बारे में और अगर आपको इंटरव्यूअर क्रॉस क्वेश्चंस पूछता है, अगर आपके पास में नॉलेज है तो आपका काम हो गया. सर्टिफिकेट ज्यादा लोग नहीं देखते हैं, इनफैक्ट बहुत ही कम लोग देखते हैं. आपकी नॉलेज, आपकी लर्निंग मैटर्स द मोस्ट. नेक्स्ट स्किल है एक्सेल मॉडलिंग. अब इमेजिन करो अगर आपके पास में बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड है एमएस एक्सेल का, जहां पे आप फॉर्मुलाज के ऊपर, फंक्शंस के ऊपर बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट समझते हैं, तो आपके लिए चीजें बहुत बेहतर हो जाती है. और उस पर्टिकुलर चीज के लिए आई वुड रिकमेंड यू दिस कोर्स विच इज एक्सेल मॉडलिंग फॉर प्रोफेशनल्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड पिटफॉल्स, जहां पे आप फाइनेंशियल मॉडलिंग, एमएस एक्सेल और एक्सेल मॉडलिंग के बारे में सीखेंगे. ये लगभग 17 घंटे के आसपास के ड्यूरेशन का कोर्स है और जो चीजें आप यहाँ पे सीखेंगे वो है फाउंडेशन फॉर बेटर स्प्रेडशीट, गुड यूज ऑफ फॉर्मुलाज एंड फंक्शंस, स्प्रेडशीट स्ट्रक्चर एंड लॉजिकल फ्लो, फिनिशिंग टचेस. और लास्ट स्किल है सुपरवाइज लर्निंग. सुपरवाइज लर्निंग मशीन लर्निंग की एक कैटेगरी है जहां पे लेबल डेटा सेट्स को यूज किया जाता है टू ट्रेन दी एल्गोरिदम्स जो आगे आउटकम प्रेडिक्शन में हेल्पफुल होता है. अब इस पर्टिकुलर चीज के लिए आई वुड रिकमेंड यू दिस कोर्स विच इज गाइडेड टूर ऑफ मशीन लर्निंग इन फाइनेंस. ये लगभग 24 आवर्स की ड्यूरेशन का कोर्स है जो आप डेफिनेटली कंप्लीट कर सकते हैं एज पर योर शेड्यूल. 4 मॉड्यूल का कोर्स है जहां पे आप सीखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, मैथमेटिकल फाउंडेशन ऑफ मशीन लर्निंग, इंट्रोडक्शन टू सुपरवाइज लर्निंग एंड सुपरवाइज लर्निंग इन फाइनेंस. अगर आप सिर्फ लास्ट वाला मॉड्यूल कंप्लीट करना चाहते हैं, अगर आपको बेसिक्स पता है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द लास्ट वन. और ये है वो अमेजिंग फाइनेंस स्किल्स जो आपको जल्दी से जल्दी सीख लेनी चाहिए एज पर योर इंटरेस्ट. सब चीजें सीखने की जरूरत नहीं है, यू कैन स्टार्ट वन एट अ टाइम. पर ये चीजें सीखने के बाद में यू विल डेफिनेटली हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडवांटेज ओवर ऑल द अदर पीपल जिनको इस चीज के बारे में नहीं पता. अगर आपको वीडियो पसंद आता है जाने के पहले लाइक जरूर कर देना एंड आई विल सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप हसलिंग.